हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं भूगोल का, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तारों के जीवन के विषय में पढ़ा। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सूरज की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सन। तो सबसे पहले हम अपने सूर्य के कुछ बेसिक बातों के विषय में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी संरचना पर अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो सन है वो कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? हमारी गैलेक्सी है जो एक सर्पिलाकार गैलेक्सी है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मंदाकिनी या मिल्की वे, इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। इसके दूसरी भुजा में, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, जो हमारी मिल्की वे है उसकी तीन घूर्णनशील भुजाओं में से जो सेकेंड भुजा है वहां पे हमारा सन स्थित है मंदाकिनी में। और सन जो है वो ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, जो सेंटर में बल्ज है, बल्ज उसका चक्कर लगा रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो बल्ज का चक्कर लगा रहा है। इसके विषय में कुछ हम खास खास पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि सन की आयु कितनी है। हमारा सूरज आज से लगभग 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था, तो इसकी आयु हम कह सकते हैं 4.5 अरब वर्ष, ये हमारे सूरज की आयु है। अगर हम संगठन की बात करें कि हमारा सूरज किन चीजों से मिल करके बना है, तो इसमें जो है इसका संगठन देख लेते हैं। संगठन में क्या क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन, अगर हम संगठन की बात करें तो हमारे सूरज के संगठन में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। कितनी? लगभग 70.4%, या आप इसको कह सकते हैं लगभग 71% हाइड्रोजन उपस्थित है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन तत्व ही उपस्थित है और सभी आकाशीय पिंडों की निर्माण में, उनकी संरचना में हाइड्रोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारा जो सन है उसमें 70.4% तक हाइड्रोजन है। और इसके बाद जो दूसरा तत्व तो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो है हीलियम। हीलियम है लगभग 27.6% आप कह सकते हैं, या लगभग 28% भी कह सकते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के लगभग 98% इन दो ही तत्वों से मिलकर के सूरज बना हुआ है। शेष जो 2% है उसमें अन्य गैसें हैं या अन्य तत्व हैं। अन्य तत्व जो है शेष 2% में है, जैसे यूरेनियम या अन्य कोई पदार्थ। ये हो गया इसका संगठन। अब हम बात करते हैं कि इसमें एनर्जी जो जनरेट हो रही है यानी ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऊर्जा स्रोत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे सूरज में जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है। तो जो एनर्जी है वो नाभिकीय संलयन। अक्सर एक क्वेश्चन आता है इसमें विखंडन और संलयन में कंफ्यूजन हो जाता है। विखंडन और संलयन में क्या अंतर है? जो विखंडन होता है नाभिक का उसमें भी एनर्जी निकलती है, और जो संलयन होता है उसमें भी एनर्जी निकलती है। ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया होती है उसमें एक नाभिक टूट करके दो नाभिक अलग अलग बनाता है और इसमें भी एनर्जी निकलती है। एनर्जी इसमें भी निकलेगी अनंत मात्रा में, जैसे कि हमारा परमाणु बम होता है। परमाणु बम में क्या होता है? उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है और उससे अनंत मात्रा में, असीमित मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिसका उपयोग हम कभी कभी सकारात्मक दिशा में करते हैं, जैसे कि हमारे जो नाभिकीय बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं उनमें, और कभी कभी हम उसको विनाश के रूप में भी करते हैं, जैसे कि परमाणु बम। जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें दो नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, यानी यहां पर एक नाभिक से दो नाभिक टूट करके बन रहे थे,
इसलिए इसको कहते हैं विखंडन। और यहां पे संलयन हो रहा है यानी फ्यूजन हो रहा है, यहां पे दो अलग अलग छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में भी क्या निकलता है, इस प्रक्रिया में भी अनंत मात्रा में एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें भी जनरेट होती है। तो यहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो विखंडन और संलयन दोनों दिए रहते हैं, और किस चीज के किस तत्व के नाभिकों का संलयन हो रहा है, तो वहां पे हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है, और हाइड्रोजन के संलयन से क्या बन रहा है, हीलियम, हीलियम यानी HE, इसका कहते हैं इसको हीलियम, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन। तो नाभिकीय संलयन हो रहा है, किस चीज का नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हो रहा है, और उससे क्या बन रहा है हीलियम। तो इस प्रकार से स्टार्स में जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना से हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे सूरज का जो आकार है, इसका जो साइज है आकार, वो कितना है। तो आकार के लिए अगर हम देखना चाहें इसकी त्रिज्या, जैसे कि इसका सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी है 6,96,000 किलोमीटर, लगभग 6,96,000 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। तो अगर डायमीटर की बात करें यानी इसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का जस्ट डबल होता है, क्योंकि एक त्रिज्या ये है और इधर भी अगर हम मिला दें तो एक त्रिज्या ये हो जाएगी, तो ये दोनों मिलाकर के इसका व्यास निकल आएगा। व्यास कितना हो जाएगा, 6,96,000 को डबल कर लीजिए तो ये लगभग आ जाएगा 13,92,000 किलोमीटर, ये इसका व्यास हो जाएगा। यानी ये पृथ्वी से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है पृथ्वी से आकार में। अब हम इसकी ऊर्जा आकार संगठन और आयु को देख चुके हैं, तो क्या सूरज एक जगह स्थिर है या सूरज भी किसी चीज का चक्कर लगा रहा है, जैसे हम पृथ्वी हमारी सूरज का चक्कर लगाती है, तो क्या सूरज भी किसी केंद्र का या किसी पिंड का चक्कर लगाता है इस गैलेक्सी में, तो इसका उत्तर है हाँ, सूरज भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट का चक्कर लगाता है। तो इसका जो परिक्रमण है, इसका परिक्रमण है, परिक्रमा, परिक्रमण कितना है, 25 करोड़ वर्ष। जो हमारा सन है वो एंटी क्लॉकवाइज बल्ज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 25 करोड़ वर्ष। तो सूरज को अपनी गैलेक्सी के केंद्र बिंदु, जिसको ब्लैक होल कहा जाता है या बल्ज कहा जाता है, उसका एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, और इसको कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। इसको क्या कहेंगे, ब्रह्मांड वर्ष। तो यहां पर हमने अपने सन के विषय में कुछ मूलभूत चीजों को जाना, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमारे सूरज की संरचना कैसी है और वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे सन की संरचना किस प्रकार से है। स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सूर्य की संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सूरज से संबंधित आते हैं, तो आज हम वो सभी फैक्ट्स क्लियर कर लेंगे जो सूरज के संरचना से संबंधित हैं। तो यहां पर देखते हैं सूरज में कौन कौन सी परतें हैं और वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो खास करके यहाँ पे हम 6 लेयर्स की बात करेंगे। हमारे सन में प्रमुख रूप से 6 लेयर्स हैं, 6 परत हैं, 6 परत। कौन कौन सी 6 परत हैं? सबसे पहली जो है वो है कोर, इसको क्रोड भी कहते हैं, क्रोड, क्रोड या कोर। दूसरी है रेडियो एक्टिव जोन होती है, जिसको रेडिएशन पेटी भी बोलते हैं, रेडिएशन पेटी। और तीसरी होती है कन्वेक्टिव जोन या
संवाहन मंडल, संवाहन मंडल या कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव जोन, और इसके बाद होता है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, और इसके बाद होता है क्रोमोस्फीयर या वर्ण मंडल, वर्ण मंडल या क्रोमोस्फीयर, और छठा होता है कोरोना या किरीट, कोरोना या किरीट। इस प्रकार से छह परतों से मिलकर के हमारे सूरज की संरचना पूरी होती है। सबसे सेंटर में है कोर, यहां पे सबसे केंद्र में हम बनाएंगे कोर, इस तरह से ये कोर है। कोर वो स्थान होता है जहां पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है, अर्थात हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है हीलियम में। इसका तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ज्यादा है ये 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन इस कोर का टेम्परेचर है। और कोर में क्या हो रहा है, कोर में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, यानी हीलियम का कन्वर्जन, हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है हीलियम में, जिससे एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है, ऊर्जा, ऊर्जा का उत्पादन कोर में हो रहा है। और कोर के बाहर जो है वो रेडियो एक्टिव जोन है, रेडिएशन जोन है। ये यहां पे हमने इसकी दूसरी परत मान लेते हैं, ये दूसरी परत है, ये कौन सी परत हो गई हमारी, रेडियो जोन या रेडियो एक्टिव जोन, रेडिएशन जोन। यहां पर क्या हो रहा है, यहां से जो एनर्जी बन रही है वो बाहर की तरफ मूव हो रही है, यहां पे एक्स किरणें, एक्स किरणें जनरेट हो रही हैं, गामा किरणें जनरेट हो रही हैं, और क्या जनरेट हो रहा है, फोटॉन, फोटॉन क्या है, फोटॉन प्रकाश के वाहक हैं। तो एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटॉन, ये सभी चीजें इस रेडिएशन जोन में बाहर की तरफ फैल रही हैं। और इसके बाहर जो हमारा तीसरा मंडल है वो है कन्वेक्टिव जोन यानी संवाहन मंडल। यहां पे इसके बाहर एक कोर है, कोर के बाहर जो एक परत है वो है संवाहन मंडल, इसको क्या कहेंगे, संवाहन मंडल या कन्वेक्टिव जोन। यहां पे संवाहन तरंगे चलती रहती, जो कोर में एनर्जी जनरेट हो रही है वो रेडिएशन जोन से होते हुए संवाहन मंडल से होते हुए बाहर निकलती है, और इसमें इसको लगभग 1 मिलियन वर्ष तक का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जो कोर में एनर्जी उत्पन्न हुई वो तुरंत बाहर आ जाएगी, वो उसी के अंदर घूमती हुई 1 मिलियन तक का वर्ष तक का समय लेती है बाहर आने में। तो संवाहन मंडल में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के सेल्स है, यानी बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के सेल्स है, नीचे के सेल्स जो है वो बड़े हैं और ऊपर की तरफ वो सेल्स छोटे होते जाते हैं, और इन्हीं से होकर के ये ऊर्जा बाहर आ रही है। इन्हीं सेल्स के माध्यम से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, वो इन सब रूपों में, एक्स किरणें, गामा किरणें, फोटॉन के रूप में, इन सब रूपों में इन्हीं सेल्स के जरिए वो एनर्जी बाहर निकल रही है। और इसके बाद होता है प्रकाश मंडल, ये जो संवाहन मंडल है इसके ऊपर होता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ही वो स्तर है जो हमें पृथ्वी पर से दिखाई पड़ता है, यानी हम पृथ्वी से सूरज का जो हिस्सा देखते हैं उसे कहा जाता है फोटोस्फीयर, यानी प्रकाशित मंडल, चमकता हुआ प्रकाश मंडल, यही है जो चारों तरफ एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है और ये प्रकाशित है, बहुत तेज चमक रहा है, ऊर्जा को फेंक रहा है जो हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रहों तक पहुंच रही है, इसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। इसी को हम देखते हैं, हालांकि इसके बाहर भी एक मंडल है वर्ण मंडल, लेकिन जो अंतिम परत है जिसको हम कह सकते हैं सूरज की संरचना का जो सबसे बाहरी स्तर है वो प्रकाश मंडल ही है जिसको हम देखते हैं। अगला जो स्तर है वो है वर्णमंडल,
वर्णमंडल प्रकाश मंडल के बाहर है, इसको हम कह सकते हैं सूरज का वायुमंडल। जैसे हमारी पृथ्वी में चारों तरफ एक वातावरण उपस्थित है, एक वायुमंडल उपस्थित है जिसमें तमाम सारी गैसेस होती हैं, इसी तरीके से सूरज के चारों तरफ भी उसका वातावरण है जिसमें गर्म हाइड्रोजन गैस घूम रही है। ये सूरज बहुत तेजी से एनर्जी जनरेट कर रहा है तो इसके आसपास जो हाइड्रोजन है वो सब यहाँ गर्म गैसेस के रूप में उपस्थित है। ये सूरज का एक बाहर वातावरण क्रिएट करता है जिसको कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। और यहां से ये जो एनर्जी निकल रही है, यहां से जो लपटें निकल रही हैं, वो क्रोमोस्फीयर से इस तरह से ज्वाला के रूप में बाहर निकलती दिखाई पड़ती हैं इस तरह से। इसी वजह से गर्म गैसेस ये घूम रही है इसके चारों तरफ। इनको कहा जाता है सोलर स्फीयर या सौर ज्वाला। क्रोमोस्फीयर में ये लपटें जो यहां से प्रकाश मंडल से बाहर निकल रही, बहुत तेजी के साथ जलती हुई गैसों की लपटें निकलती हैं जो लाखों किलोमीटर तक भी जाती हैं। यहां तक कि ये गैसेस की लपटें कभी कभी हमारे पृथ्वी और अन्य ग्रहों तक भी पहुंच जाती है, उसके विषय में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये यहां कहलाता है, ये जो लपटें हैं उनको कहते हैं सौर ज्वाला, सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स। तो इस प्रकार हम देखें, अभी हम कोरोना के विषय में भी बात करेंगे कि कोरोना क्या है। पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि सूरज की संरचना कैसे है। सबसे सेंटर में है कोर। कोर किस चीज का बना हुआ है? हीलियम का बना हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन चल रहा है जिससे हीलियम बन रहा है, और ये कोर उसी हीलियम का बना हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है, ऊर्जा निकल रही है जो रेडिएशन जोन में आती है, और ये रेडिएशन जोन में क्या बन रहा है? एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटॉन, ये सब अल्ट्रावायलेट किरणें, और जो जितने भी किरणें रेडिएशन के रूप में सूरज से बाहर निकलती हैं वो सब यहाँ फॉर्म हो रही हैं, इसी कोर के बाहर बन रही हैं। और फिर ये संवाहन मंडल, इसके ऊपर कौन सा रेडिएशन जोन के ऊपर कौन सा मंडल है? संवाहन मंडल। संवाहन मंडल में क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। नीचे की तरफ बड़ी कोशिकाएं हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ कोशिकाएं छोटी होती चली जाती हैं। कोशिकाएं मतलब गोले, बड़े बड़े आकार के सेल्स, उन्हीं से होकर के ये सभी चीजें बाहर निकलती हैं। और कहां आती है? प्रकाश मंडल में। प्रकाश मंडल जो है सबसे बाहरी परत है हमारे सूरज की, जो हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ती है, यानी सूरज को जो हम देखते हैं वो प्रकाश मंडल के रूप में ही देखते हैं। इस प्रकाश मंडल से सोलर किरणें सौर ज्वाला के रूप में निकलती हैं। जब बहुत धधकती हुई गैसेस बाहर की तरफ आती हैं तो वो कई कई किलोमीटरों तक, कभी कभी लाखों किलोमीटर तक दूर तक निकलती हैं। इनको कहा जाता है सौर ज्वाला, लपटें, सोलर फ्लेयर्स, कई नाम है इनके। और ये सभी लपटें बाहर की तरफ निकलती हैं और जिससे यहाँ आसपास की जो हाइड्रोजन गैसेस हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं, और इस क्षेत्र को, इस पूरे गर्म क्षेत्र को जो फोटोस्फीयर के बाहर एक वातावरण के रूप में स्थित है, इसको कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। जो हमारा फोटोस्फीयर है, सूरज का सबसे बाहरी मंडल जो है, उसका तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हमारे कोर में कितना तापमान था? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और फोटोस्फीयर पे कितना तापमान है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो यहाँ से सौर ज्वालाएं निकल रही हैं, लपटें निकल रही हैं, वो धीरे धीरे आगे जाकर के ठंडी हो जाती हैं, और जब उनका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है तब वो वापस आ जाती हैं। इस तरह से यहाँ पे अगर हम इसको समझना चाहें एक स्ट्रक्चर के रूप में, तो ये जो गैसेस निकलती हैं गर्म, ये आगे जाती हैं और फिर से इसी सन में वापस आ जाती हैं। एनर्जी तो बाहर चली जाती है लेकिन गैसेस जो ठंडी होकर के वापस आ जाती हैं इस तरह से। तो जहां जहां पर ये गैसेस वापस आकर के गिरती हैं तो वहां पर तापमान फोटोस्फीयर का कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है जहां से गैसेस उठ रही हैं,
और जहां पे आकर के गैसेज वापस ठंडी गैसें जो ठंडी हो गई हैं वापस आ रही हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इस फोटोस्फीयर का तापमान अपेक्षाकृत आसपास के टेम्परेचर से तुलना करने पर देखेंगे तो वो ठंडा प्रतीत होगा। उसको कहा जाता है सन स्पॉट। इसको क्या कहते हैं, सन स्पॉट या सौर कलंक। सौर कलंक या इसके और भी कई नाम है जैसे सौर धब्बा, सन स्पॉट, ये सभी नाम इसको दिए जाते हैं जहां पर अपेक्षाकृत ठंडा क्षेत्र होता है और उसके बगल में गर्म क्षेत्र होता है जहां से सोलर फ्लेयर्स बाहर निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश मंडल के बाहर हो गया क्रोमोस्फीयर और सौर कलंक। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सौर कलंक सूरज के कौन से क्षेत्र में होते हैं, कौन से मंडल में होते हैं, तो प्रकाश मंडल में या फोटोस्फीयर में, यहां इस फोटोस्फीयर में बनते हैं सौर कलंक, क्योंकि यहीं से लपटें निकलती हैं जो क्रोमोस्फीयर में जाती हैं और क्रोमोस्फीयर में ठंडी होकर के वो वापस आती हैं और जहां पे वो वापस आती हैं गैसेस तो वो ठंडी होती हैं, तो वहां पे अपेक्षाकृत जो तापमान है वो डाउन हो जाता है। ये कभी कभी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आ जाता है ठंडा होकर के। तो ये अगर टेम्परेचर की दृष्टिकोण से देखें तो इनको कहा जाता है कूलर पॉइंट। इनको क्या कहते हैं, कूलर यानी ठंडे, इनको कूलर पॉइंट भी कहा जाता है, ठंडे क्षेत्र। और अगर देखने की दृष्टि से देखें यानी अगर हम पृथ्वी पर से देखेंगे दूरबीन या किसी अन्य माध्यम से तो हमको ये ठंडा गर्म तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम कलर के आधार पे इसको देख लेंगे कि ये हमको ब्लैक ब्लैक धब्बे जैसे दिखाई पड़ेंगे। इनको कहा जाता है ब्लैक स्पॉट या सन स्पॉट या सूरज के काले धब्बे, सौर कलंक। ये किस चीज का प्रतीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कहीं पे बहुत बड़ा काला धब्बा बन रहा है तो इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी बन रही है या कम एनर्जी बन रही है, तो अगर ऐसे नॉर्मली आप सोचेंगे तो आपको लग रहा है कि टेम्परेचर कम है, इसका मतलब है सूरज से कम ऊर्जा निकल रही है, तो ये गलत है। सौर कलंक सौर धब्बा जितना बड़ा होगा इसका मतलब है कि वहां से उतनी ज्यादा मात्रा में गैसेस पहले उठी हैं। उठने का मतलब है वहां बहुत ज्यादा एनर्जी बनी जिससे बहुत ज्यादा गैसेस बाहर की तरफ सौर ज्वाला के रूप में निकली, फिर वो ठंडी होकर के वापस आई। तो जितनी ज्यादा गैसेस निकलेंगी सौर धब्बा उतना ही बड़ा बनेगा। इसका मतलब है सौर धब्बा जितना बड़ा बन रहा है उतनी ही ज्यादा वहां से एनर्जी निकली है। तो सौर कलंक से हम जान सकते हैं कि इस समय एनर्जी कितनी ज्यादा निकल रही है। एक चीज यहाँ पे और हम जान लेते हैं कि सौर धब्बे कहाँ पर बनते हैं और इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट है उसको भी हम यहाँ सीख लें। अभी जो हमारे सूरज का इक्वेटर है, इक्वेटर क्या होता है, सूरज को बराबर दो भागों में बांट दिया जाए इस तरह से, तो ये कहलाता है इक्वेटर। तो जो सूरज का इक्वेटर है वहां पे सौर कलंक ज्यादा बनते हैं और 40 डिग्री नॉर्थ तक, 40 डिग्री तक जाते हैं, ये कहां तक, 40 डिग्री तक, इस तरह से यहां तक ये बढ़ते अपनी जगह से विस्थापित होते रहते हैं। यहां बनेगा उसके बाद यहां बनेगा यहां, फिर इस तरह बनता बनता कहां तक जाएगा, 40 डिग्री तक ये जाएगा और उसके बाद ये फिर वापस आने लगेगा, इसी क्रम में ये वापस आ जाएगा। तो यहां तक जाने में इसको 5.5 वर्ष यानी 5.5 साल का समय लगता है इक्वेटर से 40 डिग्री तक जाने में। वही धब्बा नहीं जाता है, वो क्रम से बनते जाते हैं यानी वहां तक एक प्रक्रिया चलती है और फिर उधर से वापस बनते हुए फिर इक्वेटर तक आते हैं, तो वापस में भी 5.5 वर्ष का समय लगेगा और ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 वर्ष। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि सौर कलंक का चक्र या सन स्पॉट साइकिल कितने वर्ष का होता है, तो सन स्पॉट साइकिल या सौर कलंक चक्र, सौर कलंक चक्र एक साइकिल कितने दिन का होता है, 11 वर्ष का। 11 वर्ष में ये इक्वेटर से 40 डिग्री जा करके और फिर इक्वेटर तक आ जाता है। तो जब इक्वेटर पे सौर कलंक होता है तो उस समय सूरज से निकलने वाली
ऊर्जा अत्यधिक होती है तो उसको हम पृथ्वी पे ज्यादा मात्रा में रिसीव भी करते हैं, और जब सौर कलन की पोजीशन जो है 40 डिग्री पर होती है तो हम पृथ्वी पे कम ऊर्जा रिसीव करते हैं और हमको अपेक्षाकृत ठंडक महसूस होती है। तो जब यहाँ पे सूरज यहाँ पे सौर कलंक होगा 40 डिग्री पे जब सौर कलंक होता है तो उसको कहा जाता है सोलर मिनिमा। सोलर मिनिमा दो शब्द हैं, एक है सोलर मिनिमा और एक है सोलर मैक्सिमा। ये 11 साल में एक बार सोलर मिनिमा होता है और एक बार सोलर मैक्सिमा आएगा। तो यहाँ पे जब सौर कलंक बनेगा तो हमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिसीव होगी, इसको कहा जाता है सोलर मैक्सिमा, यानी ज्यादा। मैक्सिमा मतलब ज्यादा, मैक्सिमा इस पोजीशन में हमें पृथ्वी पर ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त होता है, और जब यहाँ पे सन स्पॉट होता है तो इसको कहते हैं सोलर मिनिमा। सोलर मिनिमा यानी हमें इंसुलेशन कम मात्रा में प्राप्त होगा। ये बनने वाले जो धब्बे हैं यानी सन स्पॉट हैं वो हमारी पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करते हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे मानसून को भी प्रभावित करते हैं, वो आगे हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, और हमने सोलर स्पॉट भी जान लिए, सौर ज्वाला को होती है जान लिया। अब एक चीज बचती है लास्ट में, कोरोना या क्रीट क्या है। तो हमने बताया कि जब ये गैसेस निकलती हैं ये बाहर की तरफ और ये वापस आ जाती हैं, तो ये जो इसके बाहर का क्षेत्र है यहाँ पे हल्का प्रकाश, क्योंकि ये जलती हुई ज्वालाएं थी और ये यहां तक गई फिर ये वापस आ गई, तो ये क्षेत्र ऐसा होगा जहां से गैसेस वापस लौट रही हैं, तो वहां पे आपको एक हल्के प्रकाश की पट्टी या परत दिखाई पड़ेगी। ये हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हम इसे देख सकते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय या फिर हम दूरबीन या तकनीक के माध्यम से जब देखते हैं तो हमको एक चमकदार या हल्की लाइट के रूप में ये पट्टी दिखाई पड़ती है, परत दिखाई पड़ती है, जिसको कहा जाता है कोरोना या क्रीट। खास करके सौर ग्रहण के समय हम इसको ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोर के विषय में जाना, रेडिएशन पेटी यानी रेडियो एक्टिव जोन है, फिर कन्वेक्टिव जोन है, फिर फोटोस्फीयर है, और ये सबसे बाहरी परत है, और इसके बाद दो ये परतें हैं जिनको क्रोमोस्फीयर या कोरोना क्रीट दो परतें बनती हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे सूरज का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा ये पसंद आता है तो कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन है, तो वो भी हमें आप कमेंट करके बताएं, और जो नए मित्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।